सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं अभिनव, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स, जहां हम डिस्कस करेंगे यहां पर करंट के क्वेश्चंस जो कि वहां पर 5th ऑफ नवंबर 2018 के लिए हैं। ठीक है, यहां हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहां पर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के यहां पर शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा आज का जो सबसे पहला सवाल है वह है कि पांचवें भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, पांचवें भारतीय क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये कौन है। ठीक है, तो हु इज द फिफ्थ इंडियन क्रिकेटर टू वन आईसीसी हॉल ऑफ फेम कैप। ठीक है, या किन्हें वहां पर दिया गया, तो ये राहुल द्रविड़ है। ठीक है, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम का कैप वहां पर किन्होंने दिया था तो सुनील गावस्कर ने दिया था। ठीक है, सुनील गावस्कर ने। अच्छा, राहुल द्रविड़ के अलावा यहाँ पर और दो लोगों को यहाँ पर जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम का कैप दिया गया है। इनमें एक है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, और दूसरी है वुमेन्स क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के विकेट कीपर है। ठीक है, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर है जिनका नाम है क्लेयर टेलर। ठीक है, तो इन लोगों को यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है वह है कि पहला वार्षिक वरिष्ठ देखभाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पहला वार्षिक वरिष्ठ देखभाल सम्मेलन, फर्स्ट एनुअल सीनियर केयर कॉन्क्लेव इज ऑर्गेनाइज इन, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यह दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है वह है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो है पर हमारा प्रश्न है वह आमिर खान अभिनीत थग्स ऑफ हिंदुस्तान के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि थग्स ऑफ हिंदुस्तान काफी बड़ी मूवी है। ठीक है, और निश्चित रूप से आमिर खान के नाम जुड़ने के साथ ये फिल्म और भी ज्यादा जो है मतलब स्टैंड लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान के डायरेक्टर कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विजय कृष्ण आचार्य। विजय कृष्ण आचार्य की ही वहां पर मूवी एक और है, वहां पर धूम 3। ठीक है, धूम 3 भी जो है वह किनकी, विजय कृष्ण आचार्य की। इसके अलावा आपको हम बता दें अमित वी मासूरकर जो है इन्होंने न्यूटन मूवी को वहां पर डायरेक्ट किया था, यानी न्यूटन मूवी के डायरेक्टर हैं अमित वी मासूरकर। राजकुमार हिरानी की हाल की सबसे फेमस फिल्म में आपको आ जाएगा संजू। ठीक है, इसके अलावा रीमा दास की बात करें तो रीमा दास की सबसे फेमस फिल्म में यहां पर आ जाएगा विलेज रॉक स्टार, जिन्हें 2019 के ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, है ना। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है उसके अंतर्गत यहाँ पर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो यह कब मनाया गया, 5 नवंबर को ही मनाया गया, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ओके, अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है वह 2018 के एकलव्य पुरस्कार वहां पर किसे दिया गया। 2018 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है, हु वॉन द 2018 एकलव्य प्राइज, तो यह किन्हें दिया गया है, लिलिम मिंजे को वहां पर 2018 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फॉर्मूला 1 रेस जो 2020 में होगा, ठीक है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, विच कंट्री विल होस्ट द फॉर्मूला 1 रेस 2020 के अंतर्गत, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, आंसर क्या होगा, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम जो है वह फॉर्मूला 1 रेस 2020 की मेजबानी करेगा। आगे चलते हैं यहाँ पर अगला जो यहाँ पर हमारा सवाल है वह है कि एआर रहमान, ठीक है, एआर रहमान की जीवनी पर आधारित नोट्स ऑफ द ड्रीम द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ एआर रहमान, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आपको केवल लेखक का नाम बताना है, तो सही आंसर क्या होगा, कृष्णा त्रिलोक। ठीक है, कृष्णा त्रिलोक जो है इसी बुक के लेखक है। ठीक, इसके अलावा यदि बात करें बोरिया मजुमदार की, तो इन्होंने और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो लिखी गई पुस्तक थी प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, उसका यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर वहां पर लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वह किस मंत्रालय ने यूटीएस ऑन मोबाइल नामक ऐप की शुरुआत की है।
ठीक है, किस मंत्रालय के बारे में आपको पूछा गया? इससे पहले कि हम आपको इसका आंसर बताएं, आप खुद इसका आंसर बता सकते हो। यूटीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म जाना है। यूटीएस क्या होता है? तो यह है अनरिजर्व्ड, ठीक है, टिकटिंग सिस्टम, ठीक है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि यूटीएस का फुल फॉर्म है। तो टिकटिंग सिस्टम मतलब तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह किस मंत्रालय का है, रेल मंत्रालय का है, ठीक है, यानी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा UTS on mobile नामक एप्लीकेशन की वहां पर शुरुआत की गई है, जहां कोई भी जो भी यात्री है वो आसानी से टिकट ले सकता है, ठीक है, तत्काल में भी, और वो भी केवल फोन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जहां पर प्रश्न है वो है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन कहां तैयार किया गया। पूछा गया है यहाँ पर कहां तैयार किया गया माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइंड बाई, ठीक है, कहा यहाँ पर इसकी जो डिजाइन है माइक्रो प्रोसेसर के कहा तैयार किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मद्रास, आईआईटी मद्रास में इसकी डिजाइन तैयार किया गया है, ठीक है। नाम क्या है इसका, तो शक्ति नाम है, ठीक है, शक्ति नाम का ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ कहाँ का मतलब करवाया गया इसका निर्माण, तो यह है इसरो चंडीगढ़, ठीक है, के अंतर्गत जो इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब आता है ऐसे में आज का हमारा सवाल, आपको बताना है यहाँ पर कि हु वॉन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्राइज 2018 की विजेता कौन रही हैं? इसका आपको आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।